Hello. Today is a very, 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 very different day. It's an amazing weather. And I am going to cook. What, you know? आपको ये सब देखकर पता चल गया होगा कि कुछ मैं अलग बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज जो चिकन बनने वाला है वो बहुत ही डिफरेंट रहेगा, जिसको हम कहते हैं बियर कैन चिकन। यस, तो दोस्तों बियर कैन चिकन बनाने वाला हूँ। और बियर कैन चिकन मैं कैसे बनाता हूँ, ये मेरी कैसी रेसिपी होगी बियर कैन चिकन बनाने के लिए, वो मैं आपको इस एपिसोड में दिखाऊंगा। लेकिन भूलिएगा मत, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है अगर आपको पसंद आए तो। सो दोस्तों प्लीज 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 स्टे ट्यून्ड और देखिए दिलजान्स रेसिपी ऑफ मेकिंग बियर चिकन। बियर कैन चिकन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको पता है कि मैं जब भी कुछ बनाता हूँ एक देसी स्टाइल से, मसाला भी मैं कूट के बनाऊंगा। तो इसमें जो मसाले पड़ेंगे बियर कैन चिकन में मसाले पड़ेंगे, ये है कश्मीरी मिर्ची, ये दालचीनी, ये पुदीना, धनिया और कश्मीरी मिर्ची पाउडर। तो उसको हम लोग कूट कर बनाएंगे और फिर हम लोग उसको मैरिनेट करेंगे ऑन आ बियर चिकन। और उसके बाद देखते रहिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज बियर कैन चिकन बनाने में और मुझे खाने में भी। और अगर ये रेसिपी आप लोग सीख गए तो आप बियर कैन चिकन बहुत आसानी से ओनली इन 30 मिनट्स आपका बियर कैन चिकन रेडी हो जाएगा। और संगीता जी, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से हमें जो गीला मसाला बनाना है तो गीला मसाले की आप उस तरह आप थोड़ा पानी डाल के आप जैसे बनाते हो, जैसे हम लोगों ने बनाया था पहले, वैसे आप प्लीज़ बनाकर लेकर आइए हमारे लिए। संगीता जी ने मसाला बना के रेडी कर दिया है और मैं इनसे मंगवाऊंगा। लेकिन जब बियर कैन चिकन बना रहा हूं तो बियर का सिप तो बनता ही है, पीते पीते मैं बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है तो मत पीजिएगा। बियर कैन चिकन जब भी बना रहे हो ना तभी इसको थोड़ा सिप करिएगा और कुछ नहीं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले संगीता जी मसाला लाइए। ओ वाव, क्या बात है, देखिए कितनी अच्छी तरह उन्होंने कूट दिया है। ऑसम। इसको मैं पहले मैरिनेट करूंगा एंड देन आगे रेसिपी में बताता जाऊंगा। हम करते हैं एक काम, हमारी चिकन को अलग यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद अपने पीसेस करना शुरू करूंगा। थोड़ा स्लीट करेंगे हम इसको, थोड़ा थोड़ा स्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 2 3 4 वाओ, 1 2 3 4 ऑसम। ये करने के बाद थोड़ा हम इसके ऊपर स्लीट करेंगे, उसके ऊपर लोग क्या करते हैं पता है, लोग हमेशा ये सारी चर्बी निकाल देते हैं। बट व्हेन यू मेक बियर कैन चिकन आपको ये चर्बी नहीं निकालना, बिकॉज उसी का तेल बनता है, तेल निकलता है तो बहुत अच्छी तरह कुक हो जाता है। ये स्लीट इसलिए कर रहे हैं कि हर जगह पे हमारा जो मसाला है वो पहुंच जाए। और नाउ व्हाट आई विल डू इज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यू आर मेकिंग बियर कैन चिकन तो बियर पूरा चिकन के अंदर जाना जरूरी है। पहले तो बियर से उसको इस तरह निला दो, हर एक पार्ट में जैसे हम नींबू और सब डालते हैं वैसे बियर का जाना भी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग नहीं करते हैं और फिर वो ये जाने से जो फ्लेवर आता है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हर पोर्शन पे बियर का जो एक जिस तरह आप कह रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चिकन आप गाउटी चिकन में नहीं बना सकते बियर कैन चिकन, बिकॉज उसके लिए एक सॉफ्ट, उसको बहुत गाउटी चिकन को पकने के लिए टाइम लगता है, इसलिए हमने बॉयलर चिकन ला के आज हम बियर कैन चिकन बना रहे हैं। तो बियर्स क्या करता है, बियर ये करता है कि हर एक फ्लैश को बहुत टेंडर रखता है, बहुत अच्छी तरह पक जाता है और सॉफ्ट रखता है और मुँह में पिघल जाता है, इसलिए हमने वो बियर हर जगह पर डाल दिया। नाउ ये बियर में हम लोग उसको करीबन 20-30 मिनट्स रखना चाहिए, इसलिए कि हम शो आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम अगर आप 20 से 30 मिनट इसको रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
Then we come to the process where we start putting masala on it. जो हमने मसाला कूटा था वो हम इसको लगाऊंगा मैं प्रॉपर तरीके से हर एक जगह पे आप देख सकते हो सी कश्मीरी मिर्ची से जो कलर आता है जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है और बियर तो ऑलरेडी उसमें फ्लेवर दे ही रहा है बियर कैन चिकन बन रहा है और आज तो मजा ही आ जाएगा बिकॉज मैं इसको खाने वाला हूँ आपको पता है कि मैं जब फ्री होता हूँ ये लॉकडाउन का पीरियड जो है मैं कैसे बिता रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ ऊपर वाले से मैं ऊपर वाले का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इतनी अच्छी तरह मेरा लॉकडाउन का पीरियड गुजर रहा है थैंक यू वेरी मच और मैं चाहता हूँ कि हर लोग इस कोरोना से उभर कर बाहर आ जाए और फिर से हमारी ज़िंदगी हंसती खिलती हो जाए और हम दोस्तों को गले लगाना शुरू करें ये मेरी शुभकामना है और ये मैं चाहता हूँ मेरी विशेज़ है जल्दी से जल्दी ये कोरोना यहाँ से चला जाए और हम रोज़ ऐसा चिकन बना कर लोगों को पार्टी दे देखिए अच्छी तरह से हो चुका है अंदर हर एक जगह पे हमने इस मसाले को जो संगीता जी ने कुटा है हमने लगा दिया है प्लस बियर का ये जो है आप देख सकते हो ये बियर का जो है ग्रेवी उसके अंदर नाउ दिस हैज टू बी सेटल्ड डाउन फॉर अराउंड हाफ एन आवर अगेन ये करने के बाद फिर हम उसको जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये बियर कैन चिकन बनेगा ये दोस्तों तो हमारा मैरिनेशन हो चुका है आधा घंटा रखने के बाद हम इसको बियर से क्या करेंगे बियर कैन चिकन कैसे बनता है मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा उससे पहले मैं थोड़ा प्यास भी लगी है तो थोड़ा मुझे बियर का एक सिप ले दो अब जैसा मैंने कहा कि पहले आपने बियर से मैरिनेट किया उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों ने मसाला लगाया अब जो ये बियर कैन हमने जो खोला है उसका एक कारण है वो हम किस तरह इसको हम बिठा देंगे ऐसे इसके ऊपर और फिर इसको हम रख देंगे सीधा चूल्हे पे फायर ऑन फायर देखिए किस तरह ये लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है पूरा मैरिनेशन हो चुका है और अभी ये जाएगा सीधा फायर पे तो दोस्तों बहुत खूबसूरत तरीके से ये हो चुका है अब हम सीधा उसको फायर पे डालेंगे और फिर देखिएगा क्या होगा आपको मैं बताऊं ये क्या होता है एक्चुअली जब ये फायर पे जाता है तो जो बियर होता है वो उबलने लगता है उबलने के साथ उसका जो फ्लेम होता है उसका जो भाप होता है वो पूरे चिकन के अंदर फैल जाता है और वो एक अलग टेस्ट देता है जो खाने में बहुत लजीज लगता है बहुत मजा आता है तो लेट्स गो ऑन टू द फायर तो हम इसको प्यार से उठा के सीधा फायर पे रख देंगे बस सो ये ऐसे प्रॉपर उसको रखना बहुत जरूरी है देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या हो रहा है ये कि जैसे जैसे ये बियर गर्म होता जाएगा बियर बाहर उभल कर आएगा और फिर आपको पता है क्या होने वाला है ये जो पूरा जो फ्लेवर है ना वो पूरा फ्लेवर इस चिकन के अंदर भर जाएगा और फिर खाने में बहुत मज़ा आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात जब हम बियर कैन चिकन की करते हैं तो यही मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बियर जब गर्म हो के बाहर उबल कर आता है तो पूरे उसमें एक अरोमा भर देता है पूरे चिकन के अंदर वो अरोमा आ जाता है और वो फ्लैश को बहुत ज़्यादा टेंडर बनाता है आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ये बियर गिर रहा है बाहर आ रहा है तो फायर हो रहा है और बहुत अच्छा चिकन होने वाला है और हमको बहुत मज़ा आने वाला है मैं एक बात आपको बता दूं जब भी आप लोग बियर कैन चिकन बनाओ तो मुझे टैग ज़रूर करिएगा बिकॉज ये ऐसी डिश है आपको अगर मन हुआ आपको बियर कैन चिकन बनाना है कोई घर पे आ गया फटाक से मसाला लगाओ मैरिनेट करो और बियर कैन चिकन इज रेडी सो दोस्तों हम इसको होने देते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो अगला एपिसोड है वो एक बहुत ही अलग किस्म का एपिसोड रहेगा जिसमें वी आर गोइंग इन टू द जंगल दोस्तों ये करेंगे कि इस पे थोड़ा सा बटर डाल देंगे
ताकि वो हर जगह से प्रॉपरली कुक हो जाए। वाह आप देखिए, और ये जितना स्लो आंच पे होता रहे इसको करीबन मेरे हिसाब से मैं हमेशा आधे घंटे तक रखूँगा, बिकॉज उसको प्रॉपरली पकना ज़रूरी है। और ये पकेगा बियर से, बियर की भाप से, बियर के जो बाहर निकलेगा बियर उबल के, उससे ये बियर कैन चिकन जो मेरा है वो पकेगा और फिर खाने में मज़ा आएगा। उसके अलावा एक दो और चीज़ें मैं जो डालता हूँ ऊपर से आपको डालनी चाहिए, वो है नींबू। दिस इज़ व्हेन आप जब भी इसको पका रहे हो ऑन बारबेक्यू उस वक्त ही डालो, उसके बाद जब पक के रेडी हो जाए उस वक्त थोड़ा नींबू डालो एंड टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसको पकने देते हैं हम, और पकने के बाद हम लाएंगे सीधा उसको प्लेट पे, और मेरा लंच होने वाला है बहुत सॉलिड, क्योंकि आज बियर कैन चिकन भी है और बियर भी है और मज़ा आने वाला है मुझे। नीचे का पोर्शन बहुत जल्द पक जाता है और ऊपर का पोर्शन जब तक ये पूरा हो ना जाए हमें रखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस चीज़ को थोड़ा पूरी तरह से पकने के लिए, व्हाट वी कैन डू इज़, कोई भी टाइप का आपके पास बर्तन हो, लॉकडाउन में आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कैसा भी कोई बर्तन हो आप उसको उसके ऊपर ढक दीजिएगा, जैसे मैं करने वाला हूँ। तो मैं इस बर्तन को इसके ऊपर ढक देता हूँ तो इसका प्रोसेस और स्पीड हो जाएगा, तो विद इन 15 मिनट्स ये बन के रेडी हो जाएगा। वाव क्या बात है, आप देखिए किस तरह ये बन चुका है, वेरी वेरी टेस्टी, बहुत अच्छी तरह। तो दोस्तों मैंने ये बियर कैन चिकन रेडी कर दिया है, और नाउ इस बियर के साथ मैं अपना बियर कैन चिकन खाऊंगा। चीयर्स टू यू ऑल गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर से मैं आऊंगा आपके पास अलग अलग रेसिपीज लेके। लेकिन आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना आप मेरी चैनल को, और फिर देखते रहिए क्या क्या दिलजान पकाता है। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू, टेक केयर, और बाहर मत निकलिएगा।